ही बच्चा है वो एप्पल खाने के लिए बार बार कूद रहा है, माउथ से मिल नहीं रहा है, तो बार बार वो उस एप्पल के लिए बार बार कूद रहा है। तो ये मेरा मोटो है, मतलब जो हम यहाँ आए हैं सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो वो हमारे को तीन तीन चीज़ें चाहिए ही चाहिए, नॉलेज चाहिए चाहिए। और फिर ये एक झरना है, वो झरना दिखाया है। ये झरने में क्या है, ये पहले एक झरना छोटा झरना है, आगे जाकर के पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो मतलब मोटो मेरा ये है कि यहाँ से जो भी मैंने सीखना है उसे आगे जाकर मैंने स्प्रेड करना है, पूरे में फैलाना है जो भी आने वाली है। इस पिक्चर में एक लेडी दिखाई गई है और आपका उसके गालों पे फूल हैं, और इसमें दिखाया कि मतलब ये अपना एक पिक्चर है जिसमें लेडी ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, और वो जो पिक्चर में ये लेडी दिखाई गई हुई है ये अपना एक कल्पना है, मतलब ये अपने फूलों से डेकोरेट करके पूरा लेडी को बनाया गया है, पिक्चर को बनाया गया है इसे। तो इसमें एक फीलिंग दिखाई गई है, ये केवल कल्पना मात्र है, मतलब कल्पना है अपनी फ्लावर वगैरह से एक फ्लावर को डेकोरेट करके एक पिक्चर क्रिएट की गई है। और डेकोरेट किया गया है कि मतलब एक पूरा लेडी की पिक्चर पूरी डिस्क्राइब हो रही है इसके अंदर, मतलब फ्लावर से इसके लेडी के लिप्स, नोज वगैरह सब फ्लावर की डेकोरेशन है। फ्लावर ही है, मतलब अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं इसे, तो अपने देखने से ये लेडी का पिक्चर लग रहा है, पर इसमें केवल फ्लावर का ही यूज किया गया है, फ्लावर से एक लेडी बनाई गई है। रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन फार्मास्यूटिकल्स, मतलब फार्मास्यूटिकल्स में बोलते हैं कि पैकेजिंग और लेबलिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि हमें पैकेजिंग का ध्यान रखना चाहिए, लेबलिंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक भी लेबल अगर हमारे प्रोडक्ट पे कुछ गलत हो गया तो उसका पूरा पूरा आइडेंटिटी कुछ चेंज हो जाती है। तो
जो भी उस पे लेबलिंग होती है उस लेबल पे ही उसका डायरेक्शन रहता है, यूज रहता है, उसका कौन सा प्रोडक्ट है वो उसके हिसाब से ही हम पूरा आगे उसे पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग और लेबलिंग फार्मास्यूटिकल्स में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है बाकी पैकेजिंग, पैकेजिंग है क्या चीज़ कोई बताएगा मेरे को, पैकेजिंग क्या चीज़ है? मतलब चलो फार्मास्यूटिकल्स में छोड़ दो, वैसे भी फूड इंडस्ट्री में वैसे नॉर्मल बोलते हैं कि आपको ये कुछ कोरियर करना है, कुछ करना है, तो आपको तो ओपन तो आप बेचते नहीं है उसे, किसी चीज़ में प्रॉपरली पैक करोगे तो उसको बाकायदा पूरा लेबलिंग करोगे उसके ऊपर, क्योंकि आपको कोई कोरियर भी करना है, कुछ भी करना है, तो उस पर कुछ एड्रेस वगैरह लिखना पड़ेगा जो कि उसका डायरेक्शन देगा कि ये कहाँ जाना है। तो पैकेजिंग क्या है, डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट व्हिच सराउंडेड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अंटिल इट्स यूज। मतलब आपका पैकेजिंग है कि आपका वो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो हम पैकेजिंग में यूज करते हैं, पैकिंग मटेरियल में यूज करते हैं, वो आपका जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको वो होल्ड करके रखते हैं जब तक कि हम उस प्रोडक्ट का यूज ना करें। जब भी हमें कोई मेडिसिन चाहिए होती है तभी मेडिसिन का यूज करते हैं, जब उसे ओपन करते हैं अंटिल वो अपना की स्टोरेज कंडीशन रहती है। फिर डिफरेंट फॉर्म दिखा रखी है हमने पैकेजिंग की है कि ब्लिस्टर पैकिंग है या लिक्विड पैकिंग है, ये एम्प्यूल है ड्राई इंजेक्शन उसके इंजेक्टेबल के लिए, फिर आपका ड्रॉप का काउंटर है ये अपना ईयर ड्रॉप आई ड्रॉप के लिए। फिर सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाटर बोतल है, ये कितने दिन तक अभी ये सील्ड बंद है, कितने दिन तक ये ऐसी सेफ कंडीशन में रहेगी? 10 दिन 15 दिन, हाँ डायरेक्शन होगा इसके ऊपर, और 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना स्टोर। अगर ये पानी मैं इसमें ओपन करके ओपन गिलास में रखता हूँ तो कितने दिन तक अपना ये सेफ रहेगा पानी? नॉट मोर देन 1 डे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या ज़्यादा, मैक्सिमम 1 वीक। पैकेजिंग का मेन रोल ये चीज़ है ये बताने के लिए कि कोई भी हम प्रोडक्ट अगर ओपन कंडीशन में रखेंगे तो जो भी बायोलॉजिकल जो भी अपना इन्वायरमेंटल में अपने माइक्रोबियल होते हैं सब कुछ होते हैं, एयर होता है, मॉइस्चर पूरा, तो उससे हमें उस प्रोडक्ट पे जो भी प्रोडक्ट है, ये तो पानी है, ड्रग तो जो भी ड्रग सब्सटेंस है जो भी ड्रग प्रोडक्ट है हमारे वो तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये तो मॉइस्चर पकड़ लेते हैं। अगर कोई भी टैबलेट या टॉफी रखी है या फिर टॉफी अगर ओपन रख दो तो अभी 1 घंटे बाद ही वो मॉइस्चर ले लेंगे, तो इसलिए हमें पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको ये इंपॉर्टेंस दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एडवर्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट कैन अल्टर द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब वो एडवर्स इन्वायरमेंट के जो भी एडवर्स इफेक्ट है जो भी उस पर इन्फ्लुएंस करेंगे प्रोडक्ट की एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज पे, जो भी उसकी ड्रग की अपनी प्रॉपर्टीज होती है उसकी प्रॉपर्टीज पे जो भी वो इन्फ्लुएंस करेंगे। और सेकंड आपका है फिजिकल डैमेज, आपका मेडिसिन है उसका अलग अपना शेप होता है, साइज होता है, करेक्टरिस्टिक होती हैं, तो उस पर भी इफेक्ट करते हैं। फिर आपका यह है कैरी द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग इंपॉर्टेंस में आता है आपका, ये जो भी पैकेजिंग है वो एक तो इन्फॉर्मेशन देगा हमें ड्रग के बारे में बताएगा, और सेकेंडली ये उसका आइडेंटिफिकेशन भी देगा क्या आइडेंटिफिकेशन है। कोई मेरे को बताइए बोलते हैं टेम्पर एविडेंट पैकिंग, टेम्पर एविडेंट पैकिंग क्या है? टेम्पर एविडेंट पैकिंग टेम्परिंग किसे बोलते हैं? टेम्परिंग अगर ये सील इसी खुली भी है तो मार्केट में इसे कोई लेगा? आपको लेगा। तो टेम्पर एविडेंट पैकेज में क्या होता है, एक वो अपने डायरेक्शन देते हैं, जैसे टेम्पर एविडेंट उसमें 21 CFR पार्ट 211.132 में दिया हुआ है टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग फॉर OTC ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग क्या होती है कि अपना सिंपल अपना जाते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और मिल जाते हैं। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में तो ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद अदर स्टेज आई कंप्रेशन, कंप्रेशन में अगर ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम आई तो कंप्रेशन में उस स्टेज में हम पकड़ सकते हैं, नेक्स्ट कोटिंग, कोटिंग में भी हम पकड़ सकते हैं। तो पैकेजिंग के पैकेजिंग में अगर लेबलिंग में कुछ मिस्टेक होती है तो सीधे मार्केट में जाना है, सीधे कंप्लेंट आनी है,
और वैसे भी मेडिसिन तो ऐसी चीज है हम किसी को डायग्नोस करने के लिए, क्योर करने के लिए दे रहे हैं। अगर लेबल लेबल क्या है उसका, आइडेंटिफिकेशन है किसी प्रोडक्ट का, उससे पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है। वेरी मच उस पे लेबल में लिखा है।